प्रयागराज जनपद की 12 विधानसभा सीट का चुनाव बेहद रोचक रहा है। यहां दलित वोटरों की संख्या अधिक है। 80 के दशक में जहां कांग्रेस का दबदबा रहा, वहीं 1989 के बाद यहां समीकरण बदल गया। 1991 में बसपा ने खाता खोला और हैट्रिक लगाई। 2002 में भाजपा का खाता खुला और दो बार विधायक रहे। वहीं 2012 में सपा का खाता खुला। वैसे ये सीट बाहुबली नेता उदयभान करवरिया के कारण भी जानी जाती है। 12 विधानसभा से 2017 में जहां 3,19,923 मतदाता थे, वहीं 2022 में 13,200 मतदाता बढ़कर अब 3,33,123 वोटर्स हो गए हैं। यहां 1980 में कांग्रेसी रमाकांत जीते थे, वहीं 1985 में दोबारा जीत दर्ज की थी। 1989 के बाद यहां का समीकरण बदला। इसके बाद जनता दल की लहर आई, वहीं जनता दल के प्रत्याशी रामदुलार सिंह ने जीत दर्ज की। 1991 में इस जिले में एक और नया फैक्टर जुड़ा। यहां बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोला। बसपा प्रत्याशी राम सेवक ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। 1993 और फिर 1996 फिर से जीते, लिहाजा बसपा के खाते में ये सीट तीन बार रही। वहीं प्रत्याशी राम सेवक ने जीत की हैट्रिक लगा दी। वर्ष 2002 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार कमल खिला। भाजपा प्रत्याशी उदयभान करवरिया ने बसपा के राम सेवक पटेल को हराया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उदयभान करवरिया ने दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने बसपा के दीपक सिंह पटेल को हराकर जीत दर्ज की। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार की जीत हुई। पहली बार सपा को इस सीट पर खाता खोलने का मौका मिला। 2017 के चुनाव में डॉक्टर अजय सपा छोड़ भाजपा से जुड़े और 79,209 वोट पाकर अपने प्रतिद्वंदी सपा को 34,053 मतों से हरा दिया। 12 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2007 तक ये सामान्य सीट थी, लेकिन 2012 में परिसीमन के बाद रिजर्व हो गई। अभी भाजपा के डॉक्टर अजय कुमार भारती का यहाँ कब्जा है। सूत्रों की माने तो यहाँ सपा बसपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला हो सकता है। 12 विधानसभा सीट पर 1962 में कांग्रेस से रघुनाथ प्रसाद 12,172 मत पाकर पीएसपी से शिव प्रसाद को हराया था। इसके बाद 1967 में कांग्रेस से हेमवती नंद बहुड़ा 20,378 वोट पाकर आईएनडी से एचएस पांडे को हराया। लेकिन 1969 में भारतीय क्रांति दल से सर्वसुख सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा को पराजित कर दिया। 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा 36,238 मत पाकर भारतीय क्रांति दल के बीडी सिंह को हरा दिया। भारतीय क्रांति दल से बीडी सिंह मात्र 12,184 वोट पाए। इस क्षेत्र में 1977 में जेएनपी से गुरु प्रसाद 17,968 वोट पाकर कांग्रेस के रमाकांत मिश्रा को 106 मतों से पराजित किया। इसके बाद कांग्रेस के रमाकांत मिश्र ने जेएनपी से राम दुलार सिंह पटेल को हराया। 1985 में कांग्रेस से दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने राम दुलार सिंह पटेल को 328 मतों से पराजित किया। 1989 में जेडी से राम दुलार सिंह बसपा उम्मीदवार राम सेवक सिंह को 549 मतों से पराजित कर विधायक चुने गए। 1991 में भाजपा रनर अप में आई और बसपा से राम सेवक सिंह ने भाजपा के कृष्ण मुरारी कपूरिया को पराजित किया। इसके बाद 1993 में दोबारा राम सेवक सिंह ने कृष्ण मुरारी कपूरिया को पराजित किया। 1996 में बसपा से पुनः तीसरी बार राम सेवक सिंह विधायक बने। उन्होंने सपा से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पराजित किया। 2002 में पहली बार भाजपा का झंडा उदयभान करवरिया ने लहराया। उन्होंने तीन बार बसपा से विधायक रहे राम सेवक सिंह को पराजित किया। 2007 में उदयभान करवरिया दोबारा बसपा प्रत्याशी दीपक सिंह पटेल को पराजित कर विधायक बने। 2012 में यह सीट भाजपा के हाथ से निकल गई और सपा से डॉक्टर अजय कुमार बसपा के भोलानाथ चौधरी को हराया। 2017 में सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर अजय कुमार दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने सपा को 34,053 मतों से पराजित किया।